नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आज मैं हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली दिल्ली में इन चुनावों की सबसे हॉट सीट बन गई है। दो बार के बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के रामनगर मार्केट में हूँ। ये नत्थु चौक का इलाका है, यहाँ से आगे सारा रामनगर का मार्केट है। आप तो बिल्कुल सड़क पर ही अपनी बाइक लेके खड़े हो गए। लोगों से पूछना शुरू करता हूँ कि अब जब चुनाव है तो इनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी जितेंद्र। जितेंद्र भाई, देखिए, एक तो बहुत स्वतंत्रता भी हमारे यहाँ है, सड़क पे बिल्कुल भाई ने बढ़िया से अपनी बाइक रोकी हुई है। बड़ा बढ़िया लग रहा है देख के कि जहाँ चाहो आप बाइक रोक सकते हो, ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं होगी। अपना लोकल क्षेत्र बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, कहाँ रहते हो? मैं पीछे इधर ही अपना आसिफ बिहार, करावल नगर। करावल नगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हुआ आपका तो? ठीक है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जब चुनाव आ गए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? सोचना चाहिए, बढ़िया चुनाव आ रहे हैं, अपना दिल्ली में काम होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए बढ़िया ठीक ठाक। अच्छा, मतलब जब वोट डालने जाएंगे क्या सोच कर, यही सब के भाई काम होना चाहिए? मेरा तो एक मानना है कि जो दिल्ली में पहले काम करे शीला दीक्षित ने, वो अब के लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब तो ये कन्हैया कुमार खड़ा कर दिया, सबसे बेकार आदमी, सबसे निहायत बेकार गंदा आदमी है। क्यों क्यों कारण क्या है? और इसके साथ में हमारे ये क्या नाम है, मनोज तिवारी जी हैं शायद, है ना। कुल मिला के पार्टी बीजेपी से है, लेकिन काम तो 50-50 रहा है, लेकिन ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ काम करा ठीक है, लेकिन जो काम कर दिया शीला दीक्षित ने वो कोई और नहीं कर पाएगा, ये बात हकीकत है। ओ अच्छा, पर ठीक है, लेकिन आपको ये कांग्रेस का तो पसंद ही नहीं आ रहा कुछ भी, पर बीजेपी का चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ये इन्होंने 50-50 रहा, इनका कुछ खास काम नहीं रहा। अरे काम इनका भी कुछ खास नहीं है, 50-50 रहा है कुछ, मतलब ना बढ़िया ना बेकार। जब ऐसा कुछ खास रहा ही नहीं तो फिर इनके बारे में क्यों सोचोगे? काम बता रहा हूँ, 50-50 रहा है, आदमी करके देगा तो ठीक है, जो नहीं देख रहा तो बेकार तो कह ही जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने बाइक पे भी बढ़िया लिखवा रखा है जी, हिंदू लिख रहा जी, है तो है है तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, गर्व से बताना चाहिए। है तो है हिंदू, अपने बाप को बाप कहेंगे, छुको अपनी कहने के, ठीक है सीधा ही साहब। नहीं नहीं, अरे अपने पिता को ही अपना पिता कहेंगे, अगर हम कहने लगे हम तो जी कुछ और है तो कैसे कह देंगे, है तो है। नहीं नहीं, हर कोई नहीं लिखता, पर आपने लिख रखा है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जिसे आपत्ति है वो आके मिलने, कोई दिक्कत ना हमें। अरे नहीं, ठीक है, शुक्रिया भाई, धन्यवाद। अरे सुनो सुनो भाई, एक मिनट के लिए, क्या नाम हो आपका? चलो जाओ भाई। कार्य सिंगल, मैं NDTV से हूँ। शरद, क्या करते हो आप? MBBS कर रहा हूँ मैं, UCMS से। MBBS कर रहा हूँ, फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो वोट तो आपका बना हुआ है। yes, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आ गए हैं तो क्या मन में चल रहा है आपके? सर बेसिकली जो भी पार्टी एजुकेशन ज़्यादा फोकस करेगी, एम्प्लॉयमेंट फोकस करेगी, हम वो देखते हुए वोट करेंगे। अच्छा, yes, जो एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करेगी उसको, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पर, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, मतलब जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा एजुकेटेड होगी वो बेटर रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएगी, इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, जो हमारा वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया का चांस है वो रख पाएगी। अच्छा, यस ठीक है, मतलब आपने ये सोच रखा है कि भाई ये पार्टी इस पे है, आपने मतलब माइंड में आपने प्रिपरेशन की है? सर बेसिकली पार्टी को वोट नहीं करेंगे हम, कैंडिडेट को वोट करेंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो कैंडिडेट है वो काम करेगा, वो काम करेगा। यस ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आपका क्या नाम हो भाई? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये बढ़िया इंतजाम बढ़िया रहता है, जहाँ बिल्कुल चौराहे पे आप ऐसे रुक सकते हैं, आराम से इधर उधर से लोग निकल जाएंगे। शाहनवाज भाई, चुनाव आ गए हैं भाई, यही जानना चाह रहा हूँ मैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? कुछ चेंजेस चाहते हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अच्छा, ये हमारा मंडोली रोड है, सारा कारोबार है, सबकी दुकान के आगे। अच्छा, ये मंडोली रोड मार्केट है और इस तरफ रामनगर मार्केट है। जरा सी सी बारिश होती है पानी भर जाता है। ओहो, कोई सुझाव नहीं, सांसद जी 10 साल में आज तक ये नहीं कि रोड दोबारा सही करा दे, बस टुकड़े डल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ठीक होते रहते हैं, फिर अपना पानी भरने लगता है, बरसात होती है। अच्छा, कोई खास ऐसा काम तो होता नहीं। अच्छा, एक बार चुनाव के बाद कोई इधर आके झांकता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना कोई खास काम नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, किस आधार पर आप वोट डालने जाएंगे? इस बार कारोबार के आधार पर, महंगाई, काम धंधा बढ़ाए, महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ को लेके कि कस्टमर ही नहीं है बाज़ार से, कस्टमर गायब हो गए, पैसा ही नहीं है बाज़ार में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ज़्यादा लोग है तो उसका अब हिसाब दिखाते रहो, कच्चे में आदमी काम करता थोड़ा बहुत लेता देता, भाई लेबर क्लास आदमी अगर 1000-1000 रुपये भी दिन में 20 आदमी ने दिए, जाहिर सी बात है 20,000 में बचने तो 500 रुपये हैं, और सरकार की नज़र में ये होगा कि महीने में 5-6 लाख का कारोबार है, अब उस पर भी टैक्स दो, कहाँ तक आदमी करेगा, पैसा है नहीं, बस डिजिट घूम रही हैं, ऑनलाइन इधर को उधर दे दिया, उधर को उधर दे दिया,
तो कुछ चेंजेस चाहते हैं। अब गए प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने तो शायद देश में खुशहाली आए, बहुत शुक्रिया, मंदी हो जाए। ठीक। आपका क्या नाम हुआ जी? भाई जैसे ये रास्ते में रुक सकते हैं ऐसे हम लोग भी रुके ही हुए हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मोहसिन। मोहसिन जी, बस मैं जैसे इनसे पूछ रहा था कि क्या सोच रहे हैं, चुनाव आ गए हैं, राहुल जी जीतते हैं? राहुल, राहुल जी यहाँ से तो राहुल जी नहीं खड़े। राहुल जी को क्या चाह रहे हैं? राहुल जी क्या है ना, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन वही जीतेगा इस बार। अच्छा, तो राहुल जी क्या क्या चाह रहे हैं, क्या बन जाए राहुल जी? प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, पीछे बड़ी चर्चा चली उनकी कि उन्होंने अपनी अमेठी सीट छोड़ दी, रायबरेली चले गए। रायबरेली से जीतेंगे ना वो, वायनाड से भी जीतेंगे, दोनों जगह से दोनों जीत जाएंगे। फिर एक सीट छोड़ी जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो एक बार तो जीतना है ना। ठीक है, ठीक है, जान ना लगे, बार तो जीतना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? सोनू। हाँ जी सोनू, क्या करते हैं आप? प्लम्बरिंग। प्लम्बरिंग का काम है आपका? कहाँ रहते हैं? जाफराबाद। जाफराबाद, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ जी, ये कह रहे हैं थोड़ा साइड हो जाओ। क्या सोच रहे हैं चुनाव आ गए हैं जी? बढ़िया। नहीं, बढ़िया तो सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, क्या जब अब चुनाव में वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर वोट डालने जाएंगे? वोट अच्छा सोच के जाएंगे जी। अच्छा, मतलब क्या? ये तो बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें हैं, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, कोई भी कह देगा ये वाली बात। तो अब तो नया चेहरा देखने की उम्मीद है सर। नया चेहरा? बिल्कुल। क्यों, अभी का पसंद नहीं आना? अब केजरीवाल से थक चुके सर। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव है, केजरीवाल तो चेहरा ही नहीं है इसमें पहले भी। अब कुछ अच्छा देखने का मन है। अच्छा जी, क्योंकि आधी बात अगर आपकी सुन लो तो ऐसा लगेगा आप ये कह रहे हो आप मोदी जी को नहीं देखना चाह रहे। नहीं नहीं, अच्छा, मोदी जी अपनी जगह पे अच्छे हैं। अच्छा, काम अच्छा कर रहे हैं वो यूपी में, अब की बार दिल्ली में आ जाए। कौन? मनोज तिवारी। अच्छा, तो वो तो है ही पहले से यहाँ पर, अब फिर दोबारा फिर आए चुनके अच्छे से। तिवारा आए चुनके। अच्छा, नहीं नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कारण, ये तो आपने पार्टी या कैंडिडेट बता दिया, क्या मतलब सोच रहे हो? अच्छे नेता है हमारे। अच्छा, अच्छे नेता का, अच्छा काम करते हैं, अच्छा विचार रखते हैं लोगों के लिए। अच्छा जी, बस ठीक है, ये जानना चाहता मैं। आपकी बात अगर आधी सुन ली जाती फिर तो हो गया था काम, कि आप बदलाव के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। राम राम जी, क्या नाम है आपका? नरेश वर्मा। हाँ जी, नरेश जी। नरेश, कहाँ रहते हैं नरेश जी? मैं जगतपुरी में। जगतपुरी, तो आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पड़ता है, ईस्ट दिल्ली पड़ता है? अच्छा, ये पीछे ही जो है। ठीक ठीक ठीक, बस चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी, तो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच कर वोट डालने जाएंगे? सोच के रहेंगे कि जो काम बढ़िया करेगा उसके लिए। अच्छा, दो चार कुछ इशू बताओ कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ ऐसे काम होने चाहिए या ऐसे हुए, इस तरह का कुछ इशू का यही है जी सर, मोदी जी ने काम बढ़िया करा है, राम मंदिर बनाया है, हिंदू के लिए तो सोचते हैं। अच्छा, बट ये काम है हमारा। अच्छा, ऐसे काम चलता रहेगा तो मोदी जी खड़े रहेंगे हमें तो। अच्छा जी, ठीक है, तो राम मंदिर आपका मुद्दा है कि हाँ ये बढ़िया काम हुआ? हाँ जी, राम मंदिर हुआ जो बहुत बढ़िया मुद्दा। अच्छा ठीक, शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ जी? राजू नाम है। राजू जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा भाई, अब चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच कर वोट डालने जाएंगे, क्या सोच रहे हैं? अभी पता, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा, वहाँ जाके। अरे ये थोड़ी होता है, एक बार चला जाता हूँ, जो जो उपलब्ध होगा उसमें से देख लूंगा। हाँ वही है, ये कोई मॉल थोड़ा ही है। वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा जी। अच्छा, अभी कुछ नहीं बता। नहीं, मैं पार्टी तो पूछ ही नहीं था, पार्टी कैंडिडेट आप छोड़ दो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? जब टाइम आएगा जब सोचेंगे। अरे कुछ तो बता दो, इतनी धूप में देखो स्किन भी काली सी पड़ रही है। जब टाइम आएगा जब बताएंगे जी, अभी कुछ नहीं पता। मुट्ठी खोलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वाले गोलगप्पे जो हैं इस तरह से लग रहे हैं जैसे अपनी फ़ोटो ही लगाई हुई है, पर ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्होंने एक के ऊपर एक गोलगप्पे रख के ऐसे सजाए हुए हैं। तुझे कितना टाइम लग गया होगा सजाने में? बिल्कुल अपनी फ़ोटो लग रहे हैं ये, अपनी तस्वीर लग रहे हैं। एक घंटा लग जा रहा है। एक घंटा? और ठीक है, ग्राहक ऐसे करके आकर्षित भी होता होगा। नहीं,
जैसे हम देख के आए आपके पास में, अरे ये क्या लगा रखा है? मतलब पता है अगर आपको तो आते ही रहते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा ये बता दो क्या सोच रहे हैं चुनाव आ रहे हैं? नाम क्या आपका? लच्छीराम। 10-3 चल रहे होंगे। तो लच्छीराम जी थोड़ा बता दो क्या माहौल चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप, क्या सोचकर वोट डालने जाओगे? वोट यहाँ का मेरा ही नहीं है। कहाँ का है आपका? एमपी का ही है मेरा। ओ आप एमपी के हो? एमपी में कहाँ से? भिंड के। ओ भिंड के हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ वोट पड़ गए पढ़ने हैं? अभी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए आप वहीं बता दो क्या सोचोगे। ये काम तो करते ही रहो, मीठा डाल दो भाई। वो पानी दिखा जाता है क्या? बताओगे नहीं बिल्कुल ही। आपसे बात कर लें ये दो मिनट। मेरा नाम शरद है, एनडीटीवी से। आपका क्या नाम है? शिवम राजपूत। आप कहाँ रहते जी? मैं यहीं पे दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ को? हर्ष विहार। अच्छा हर्ष विहार, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गई। तो क्या सोच रहे हैं जब चुनाव आ गए हैं? देख रहे हैं लहर तो अच्छी है। अच्छा मतलब टक्कर कह सकते हैं कि हाँ चांसेस बीजेपी के ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा लेकिन टक्कर भी है? हाँ मतलब इस सीट पर आप टक्कर मान रहे हैं? हाँ। या वैसे टक्कर मान रहे हैं आप? नहीं इसकी सीट पर टक्कर मान रहे हैं। अच्छा ठीक है। नहीं मतलब क्या सोच के क्या जाओगे वोट डालने के लिए? मतलब पार्टी और वो तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे। नहीं देखो वोट डालने तो ये जाएंगे कि हाँ बीजेपी आए। अच्छा क्योंकि दिल्ली में आपको 5 साल हो गए हैं तो अब देखते हैं बीजेपी क्या करेगी। अच्छा, वो तो ये तो लोकसभा के वोट हैं। हाँ तो देखते हैं आप क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अच्छा यार तो आपने पिछली बार भी बीजेपी को ही वोट दिया था आपने? हमारे घर से सारे लगभग वही देते हैं। अच्छा ठीक है। क्यों मैम आप बताइए थोड़ा कि आपका नाम क्या हुआ जी? विकल्प राजपूत। तो आप क्या सोच रही हैं? मेरा यहाँ वोट ही नहीं है, पहली बार तो मेरी शादी हुई है। ओ, आपने वोट ही नहीं बनवाया इनका? और मेरा यूपी में था। अच्छा तो यूपी डाल भी होती तो मैं बीजेपी को डालती। अच्छा अरे ये वैचारिक समानता के बाद ही शादी हुई है क्या आप लोगों की? है ऐसा है क्या? नहीं हमारा वोट पहले से ही बीजेपी को है। 3-4 साल से जब से मोदी सरकार आ रही है हम बीजेपी को ही वोट डाल रहे हैं। पहले वोट से लेकर अभी तक जो है सब बीजेपी को ही पड़ रहा है। हम पहले मोदी जी के साथ थे, अब योगी जी के साथ है। अच्छा। और फिर मोदी जी के साथ। अच्छा। ठीक है एंजॉय कीजिए गोलगप्पे। आपका क्या नाम हुआ जी? हरी सिंह सर। ये आपका ऑटो जी? जी। थोड़ा बताइए क्या चल रहा है चुनाव में, मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है सर, हम तो कांग्रेस और आम आदमी को बिल्कुल चाहते नहीं। अच्छा बीजेपी, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी बिजली फ्री पानी फ्री क्या फ्री। अच्छा, मिला मिला नहीं, मिला नहीं तो बिजली या पानी फ्री नहीं मिली? कुछ फ्री नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा हाँ जी, नहीं बिजली तो फ्री है। कोई फ्री नहीं है सर, मैं बिल अभी दिखा दूँ, पानी का दिखा दूँ, बिजली का दिखा दूँ। नहीं नहीं वो तो मतलब एक लिमिट से ऊपर यूज करोगे तब तो बिल आएगा ही। अरे बेवकूफ़ बनाने वाली बात बिल्कुल बेकार है। तब फ्री की रेवड़ी खिला के बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं है। मैन बीजेपी। अच्छा ठीक है, क्योंकि दूसरे बेवकूफ़ बना रहे हैं इसलिए बीजेपी। ठीक है, नहीं वैसे तो आप काम तो कर रही है, चलो थोड़े परेशानी है कोई बात नहीं, वो झेल लेंगे, लेकिन काम तो कर रही है, देश हित में तो है, देश के लिए तो काम कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है। केजरीवाल क्या है, क्या किया केजरीवाल? नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह है भाई साहब, मैं इसी वार्ड का वोटर हूँ। अच्छा अच्छा, इसी वार्ड में ये रामनगर पड़ता है क्या? बिल्कुल। अच्छा इसी वार्ड का वोटर हूँ। वो तो उनका अपना व्यू है, उसको उनका व्यू रहने दीजिए। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ वोट होना चाहिए विकास के ऊपर, काम के ऊपर, ना तो आपका ये ना नहीं सुनो सुनो भाई साहब, ना आपको आपका कोई खाने को दे रहा है। केजरीवाल जो दे रहा है वो भी कहीं से आपकी जेब से काट के दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ काम नहीं है, काम नहीं है। देखो किसी भी दुकान पे आप देखो काम है, किसी भी दुकान पे देख लो आप काम है। भाई साहब मोदी आने के बाद, श्रीमान जी मोदी आने के बाद दिल्ली में कौन है? मोदी नहीं है भाई, मेरे केंद्र में तो है, केंद्र में है, दिल्ली की सरकार की बात है। नहीं अभी तो लोकसभा के चुनाव है, एक मिनट आप इधर आ जाइए। केंद्र में तो मोदी जी हैं। आपकी जो है सारी जो है जितने भी देश की योजनाएं बनती है कहाँ से बनती है? दिल्ली से बनती है, केंद्र से बनती है। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन बनती है ना। एक बात हो मुझे ना जी, ऐसे दिल्ली पूरे भारत में दिल्ली इतना सा राज्य है, एक केवल
आप पूरे पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में लेके देखो ना कि क्या हालात है। आप मुझे एक बात आइए, केजरीवाल जी से दिल्ली तो समझ नहीं, वहाँ पंजाब में और वहाँ और पहुँच गए। जाओ ना विकास पे, जाओ ना दोस्त मेरे। क्या विकास करा किसने? केजरीवाल ने क्या विकास करा मुझे बताइए आप। पूछ रहा हूँ मोदी ने क्या विकास किया है। मोदी ने जो किया है वो दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। देख रहे हो ना, आपके ऑटो में भी एक भी वो नहीं है। क्या नहीं है? आपके ऑटो में एक भी पैसेंजर नहीं है और पूरी दुकान ये मार्केट है ना पूरी भरी रहती थी, एक भी ग्राहक नहीं है। सबको दाल रोटी मिल रही है, उसके पास उसका आधा काम रह गया होगा। देश आज देश कितना मजबूत किया है मोदी जी ने, आप ये देखिए कितने रोड बनाए हैं, कितना क्या किया। आपका ओपिनियन 70 साल में कुछ नहीं हुआ यानी कि क्या? अरे भाई साहब कांग्रेस ने क्या करा ना, ये कपड़ा भी विदेश आता था जो कांग्रेस की देन है। आप क्या समझ रहे हो आप, ये जो कपड़ा ये कांग्रेस की देन है भाई साहब। कांग्रेस होती तो शायद आप क्या होता इस देश का, आपको ये नहीं पता। सुनो आप एक चक्रव्यूह में है ना, उससे बाहर देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते आप, देखना नहीं चाहते। हम जो देख रहे हैं, जो दुनिया देख रही है, वर्ल्ड देख रहा है पूरा, वो हम देख रहे हैं। आप वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है। और हम क्या देखेंगे फिर? आप जो आपने आपने अपने विवेक से सोचा कि क्या हो रहा है? आपके किसी बच्चे को नौकरी मिली? नौकरी क्या मिली आपको? मैं कहता हूँ नौकरी तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ का आदमी काम करके राजी नहीं है। सरकारी कर्मचारी भाई साहब, मेरे कई दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, काम करके राजी नहीं, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। हम देखते नहीं है। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सुनिए सुनिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, चल रहा है जो चलेगा अपना आप चलेगा। मतलब क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? मैं तो खाली ये क्या सोच के वोट डालने जाएंगे, बेरोजगारी डालेंगे, महंगाई डालेंगे। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, आइए, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह ठीक है, कहाँ रहते हैं? रामनगर भी रहता हूँ। रामनगर ठीक है, शुक्रिया भाई। ऐसी डिबेट होती रहनी चाहिए लोकतंत्र में, हाँ, बस हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ भाई? दानिश। दानिश भाई फिलहाल अभी कोई कस्टमर है नहीं दुकान पे, दो बात ही कर लें। हाँ कहाँ रहते हो? अशोकनगर। वोट तो बन गया आपका, अभी वोट आ रहे हैं 25 तारीख को, क्या सोच के वोट डालने जाओगे दानिश भाई? कांग्रेस को डालेंगे जी हम तो। नहीं सो क्या सोच कर डालने जाओगे, मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ मुद्दे भी तो होंगे मन में। मुद्दे क्या है जी, हाँ नौकरी पा गए क्या मुद्दे हैं? नहीं नहीं वो ठीक है, नौ थे, दंगे हो गए, दंगों में घर जल गया, अब नौकरी पे आ गए। ओहो, ये जो 4 साल पहले हुए थे 2020 में अशोकनगर की मस्जिद पे। कहाँ पर? अशोकनगर में मस्जिद थी, हाँ उस पे हुए थे। अच्छा तो अशोकनगर रहते हो आप? अच्छा, ये जो MIG फ्लैटों के पीछे है, ये वाले जो चप्पल मार्केट में, ये आगे जाकर मीनार पे झंडा लहराया गया था। अच्छा 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 ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे आप बता रहे हो कि घर में आग लग गई थी। हाँ घर में आग लग गई थी, पहले अपना काम था बाजार लगाते थे चप्पल जूतों का, अब नौकरी पे आ गए। ओहो, तो अब जो है जो रोजगार की बात करेगा उसको वोट देंगे? रोजगार का कि बीजेपी की सरकार थी, घर में आग लगी है, बीजेपी सरकार को क्यों वोट देंगे? अच्छा फिर तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई। अच्छा ये तो बड़ी दुकान लग रही है, क्या नाम है भाई आपका? सचिन नाम है सर। हैं? सचिन नाम है। सचिन भाई कहाँ रहते हो? करावल नगर। करावल नगर, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हुआ। हाँ जी। और भाई ये पूछ रहा था, अभी चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोच के वोट डालने जाओगे? मेरा सर जल्दी आ जाओ जाओ सर, अभी वोट नहीं बनी मेरी तो। अरे कितने साल उम्र हो गई? 23। अरे 23 में आपने जो है कम से कम तो मान के चलो एक 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में भी डाले होंगे आपने? नहीं डाली। तो 2020 में आपकी कितनी उम्र थी? 19। तो आपने उस समय भी वोट नहीं डाला? नहीं। ओहो, आपकी बार भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है? तो क्यों नहीं बनवाया? ऐसे ही सर, बनवा लेंगे बाद में। अरे बताइए, सब लोग ऐसे सोच लें तो फिर तो हो गया काम। देखा जाएगा सर, फिर कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। अभी तो नेता आप ही नहीं है कि हाथ जोड़ रहे हैं, भाई वोट दे दो, भाई वोट दे दो। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? मुरेंद्र कुमार जी। हैं? मुरेंद्र कुमार। और कहाँ रहते हैं आप? DLF। तो यहाँ काम करते हैं, दुकान आपकी है? काम करते हैं। काम करते हैं DLF भोपरा की तरफ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये UP लगता होगा वहाँ तो? UP। अच्छा, तो वहाँ तो वोट हो गए हैं आपके यहाँ तो? तो क्या सोच के वोट डाला आपने? हाँ जी। क्या सोच के वोट डाला है? जो हमने सोचा अपने मन में जिसको। हाँ नहीं नहीं, मैं पार्टी तो पूछ नहीं रहा हूँ, वो मत बताओ आप, क्या सोच कर क्या मुद्दे रहे, क्या हाँ क्या है या क्या? अच्छा, जिसको वोट डाला जीतने के लिए डाला। मैं तो मुद्दा या कुछ जानना चाह रहा हूँ कि भाई कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है, उसका काम पसंद आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि भाई इसलिए उस पार्टी को आप वोट डाल। काम जो बंदा करता है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको वोट डाल के आए हैं। बात ठीक है भाई, ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, शुक्रिया, वोट बनवा लो भाई।
ना ना ठीक है जी, जिसको भी डाल दिया ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हो भाई जी? विजय। ये खरबूजे का काम है आपका? नहीं जी, मेरे छोले कुलचे का काम है। अच्छा, आप तो काम समेट लिया आप तो? हाँ जी। अच्छा विजय जी, कहाँ रहते हो जी? चंद्र दुर्गापुरी। दुर्गापुरी तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अभी जब वोट डालने जाओगे 25 तारीख को, यहीं पर वोट है आपकी? हाँ जी, यहीं पर वोट है। तो क्या सोच के वोट डालने जाओगे? सर ये बस ये है कि वोट ये इस मार डालने चलेंगे कि कोई अगर कोई अच्छा नेता बनता है तो रोजगार दे सबको। अच्छा, आप रोजगार चाहते हैं? हाँ जी, रोजगार चाहते हैं। मतलब आप जैसे काम कर रहे हैं, आपको ये काम पसंद नहीं आ रहा? नहीं है। आप चाह रहे हैं कि कुछ रोजगार होता तो आप रोजगार कर नौकरी कर लेते? नौकरी अब नौकरी रही नहीं है, सारे काम बंद पड़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप जी? 9वीं तक। अच्छा भाई, तो फिर और पढ़ना लिखना भी जरूरी है। बिल्कुल जी। जैसे आप कुछ 12वीं करके ग्रेजुएशन करे होते तो हम कहते भी। बिल्कुल सर। इसमें आप अभी चाह रहे कि मतलब वैसा भी ना हो तो भी तो नौकरी मिलती है अब, ये भी आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब नौकरी है नहीं, कहीं ढूंढो तो मिलती नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि लेबर वाली ज़्यादा नौकरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि जो सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाए या जो पार्टी, उसकी तरफ आप जो है जाना पसंद करें? बिल्कुल सर। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम हो जी आपका? श्यामला। श्यामला जी, क्या करते हैं आप? मैं इबास हॉस्टल में कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारी के थ्रू से। अच्छा, नौकरी कर। अच्छा, वहाँ अभी काम कर रहे हैं? ठीक है, अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? चुनाव आ रहे भाई, मतलब क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ एक मिनट आगे। कांग्रेस को डालेंगे। क्या सोचकर डालने जाएंगे? मैं कोई बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, इस वजह से। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ। ठीक है बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, आप बहुत देर से कुछ बताना चाह रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अमित बहल। कहाँ रहते हैं जी? यही अशोकनगर में। अशोकनगर आगे जाकर जो है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे जी? देश की प्रगति हो रही है। देश की प्रगति? हाँ जी, देश की प्रगति और उन्नति के नाम पर वोट डालने, ये बड़ा मुद्दा। हाँ जी ठीक है, आपने भी सहमति जता दी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कुछ इससे कुछ अलग अलग नहीं सोचे कि कुछ अलग होना चाहिए? मेन तो प्रगति है ना, विकासशील है। देखिए आप बोलिए, पहले नहीं बोलिए। देश प्रगति पर विकासशील के लिए तो है, बस इन चीजों पर तो रहेगा। और उन्नत एक बार बताइए, रोजगार तो शुरू से चले ही आ रहे हैं, लोग खुद भी रोजगार खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब आप बोलिए। अब ये तो नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं सरकारी नौकरी मांगूंगा। लोग बेरोजगार हैं, कौन कहता है बेरोजगार है? आप बेरोजगार हो? नहीं, नहीं है ना, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पे। हाँ। सब कमाते हैं, चाहे 10 कमाए, चाहे 15 कमाए, चाहे सब 20 कमाए। इन्होंने हानि करी अभी? अब नहीं, बताइए आप। नहीं, रोजगार तो नहीं है, काम कर रहे हैं। खाली बैठे हो? नहीं, खाली बैठे काम कर रहे हैं। खाली हैं? रोजगार क्यों है? खाली बैठे काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ काम कर रखा होगा वो। तो गवर्नमेंट बीजेपी या फिर मोदी के आने से आपको नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं है किसी को भी? नहीं, ये तो सिर्फ बहकाया जा रहा है कि मोदी के आने से महंगाई आई है, कुछ भी हुआ है। आज 400 रुपए का सिलेंडर आपसे 20 साल पहले आप लेते थे। बात तो सुनिए, पानी की सप्लाई MCD के, पानी की सप्लाई केजरीवाल के पास है, उससे पूछिए। आप उससे क्यों नहीं पूछते हो? आपको मालूम है किससे? क्यों नहीं है लेने देना? आप ये बताओ, पानी की सप्लाई कौन दे रहा है? पानी की सप्लाई कौन दे रहा है? केजरीवाल के पास से पानी आ रहा है 15 दिन से। केजरीवाल के पास है, उसको बोलो, उससे क्यों नहीं बोलते? अरे 15 दिन नहीं, पिछले 15 महीने से आ रहा है। पानी की दिक्कत है, सुन तो लो। रुको, जा रहे हो, चले गए, पूरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, वो तरीके से बोल रहे। अरे क्या पानी की दिक्कत आ गई? अरे पानी की दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? सप्लाई आ रही है इधर। अच्छा, उसको ये वोट देंगे जो पानी की सप्लाई ठीक कर दे। अच्छा शुक्रिया, ठीक है। अरे चलो चलो, हाँ आप कुछ कह रहे थे जी? ठीक है जी, धन्यवाद सर। वही मुद्दा जो इन्होंने बोला है कि महंगाई कितनी बढ़ती आ रही है। मतलब महंगाई से परेशान जी? बिल्कुल, सब पब्लिक महंगाई से परेशान है, हर चीज़ पे हर दिन महंगाई बढ़ती जाती है सर। इस मुद्दे पर देश के टुकड़े होंगे हजार खड़ नारा तो इन्होंने दिया। नहीं, वो आरोप है अभी, वो उस पर कुछ हुआ नहीं है, मगर हमें तो ज्ञान में यही है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सब यही चल रहा है। नहीं, वो 2016 में इनके ऊपर आरोप है। हाँ। लेकिन अभी तक उसमें साबित नहीं हुआ, ये है, मैं ये कह रहा हूं। तो हमारी जनता तो यही जानती है ना। हाँ। वो ठीक है। नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। पानी के मीटर बंद पड़े हैं 40-40 50-50 हजार पे। हमारे विधायक जी का बिल आ रहा है, जितेंद्र महाजन जी का, कल उन्होंने बिल दिखाया अपना,
कि मेरे घर का बिल 40,000 रुपये आया हुआ। आप बीजेपी से हैं? नहीं नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से हैं? आम आदमी हूँ। लेकिन वो पूछना जरूरी होता है कि आप प्रॉपर बीजेपी से हैं या आम आदमी से किसी से हैं? पार्टी इस समय निर्धारित कर ही नहीं रही, इस समय तो देश देख रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम हो आपका? निखिल। निखिल भाई ठीक है, एक मिनट, क्या नाम हो आपका? थोड़ा इधर को आ जाओ, जाम लग जाए। अरे रुक जाओ, स्कूटी पहले साइड। अरे इस पे बैठे थे हम तो, बैठे बैठे भी स्कूटी को नहीं आना जी। भाई स्कूटी नहीं आनी जी, आगे क्या रहेगा ना? स्कूटी है, सचिन नाम है जी। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? रामनगर रहते हैं जी, दुकान है अपनी। अच्छा, बस ये पूछ रहे थे कि क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? क्या सोचकर? देश हित में सोचकर सर वोट डालने जाएंगे। देश हित में मतलब किस तरह का देश हित? देश में सुरक्षा, डेवलपमेंट, विकास, यही सर ठीक बंदे हैं। मतलब नेशनल सिक्योरिटी आपका बड़ा इशू है। सर नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा इशू है ही। हाँ। आपके पास सुरक्षा नहीं होगी तो आप करोगे क्या? आप हमेशा डर के साए में जियोगे कि कभी भी कोई देश बम गिरा देगा। हाँ। या कहीं लड़ाई हो जाएगी, सामुदायिक दंगे हो जाएंगे। हाँ। तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी जियोगे? आप अपनी ज़िंदगी तभी जी सकते हो जब आप सुरक्षित महसूस करते हो, आपका परिवार सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने परिवार के खर्चों के बारे में, अपने रोज़गार के बारे में या अपने नौकरी के बारे में सोचते हो। सही बात, बिल्कुल सही बात है सर। बहुत शुक्रिया भाई, नमस्ते जी। नमस्कार सर। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ। मैं भी जाऊंगा आपको इंतजार कराने के लिए। क्या नाम हो आपका? राजेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, दुकान है आपकी क्या? हाँ दुकान है सर। अच्छा भाई, ये पूछ रहा था कि चुनाव है, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? देखो चुनाव है, अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व है, सब कोई वोट डालना चाहिए। क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? बस सोच के ये कि बस विकास होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है जी। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, विकास होना चाहिए। हाँ, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए, और यही मुद्दे हमारे इलेक्शन में भी है। ठीक है, जो इस पर बढ़िया काम करेगा आप उसको वोट डालने जाएंगे? उसी को वोट डालेगा जी। ठीक है, पूरी मार्केट का वोट उसको डालेगा। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? इधर आइए। मेरा नाम कमलेश है, कमलेश भटनागर। ठीक है, कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ, यहीं जगतपुरी में। जगतपुरी में? हाँ। ठीक है, क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं। ठीक है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हाँ। किसी आदमी को एक दिन घर पे छोड़ कर देखिए और कहिए आज का सारा काम तू करेगा। हाँ। पता लग जाएगा। सही बात है। और बोलिए। बस मैं ये पूछ रहा था कि चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? काम के ऊपर, जो काम करेगा। किस तरह का काम है? पढ़ाई लिखाई और वो बच्चों को काम चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई और रोजगार पे जो काम करेगा वो करेगा। और सब लोग हम मिलके रहते हैं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। अच्छा। काम चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक, बच्चे पढ़ लिख के बेकार हो रहे हैं। हाँ। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? थैंक यू मैम, आप कुछ कह रहे थे? आपका नाम क्या हुआ? संजय शर्मा। कहाँ रहते शर्मा जी? थोड़ी चौक पर सर। कहाँ पर? नथुनी चौक। नथु चौक तो ये रहा, तो वहीं घर आपका? हाँ, के अंदर ही है। अच्छा, बात तो फिर ठीक है, आपके घर पे ही आए हुए हम तो। हाँ। तो क्या करते हैं सर? मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में था, मैं उसमें तो बिहार लेके मैंने अब अपना ही काम कर रखा सर। अच्छा, बीआरएस ले लिया आपने, तो आप तो आपकी तो उम्र भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रही है। मेरी सर मेरी। अच्छा, ये बड़ी हिम्मत का काम किया आपने, या कुछ बढ़िया काम मिल गया होगा आगे? सर बड़ा इस क्षेत्र में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे को ऐसे वो मिले हैं सांसद कि कभी वो इस क्षेत्र में आता विजिट ही नहीं करा था। सही बात है, पिछले कभी सर 10 साल से आप, मैं नहीं किसे पूछोगे ना, कोई आम आदमी बता देगा इतने उन्होंने विजिट ही नहीं करा आज तक, ना कोई क्षेत्र में ध्यान दिया है। अच्छा। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि ये ईस्ट दिल्ली का एरिया पड़ता था, पहले वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक था। जब से 2009 से पहले ये पूरा इलाका जमुना पार का एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसके बाद दो बन गई, एक ईस्ट एक नॉर्थ ईस्ट। तो हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। नॉर्थ ईस्ट में है और ईस्ट के अंदर तो विकास हुआ, इस क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं हुआ सर, बिल्कुल विकास। आप बरसात में होते हैं पानी भर जाता है, पढ़ाई की व्यवस्था है आप जाके देख लो स्कूलों में बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। काम धंधा बिल्कुल बेकार है सर, काम धंधा एक रुपये का नहीं है। और इस क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप जाम देख लोगे ना यहाँ पर, आप यहाँ आने का मन नहीं करेगा दोबारा, आपका आने का दोबारा यहाँ पर आने का मन नहीं करेगा। एक बार शाम को जाम में अगर आ गए, कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। एक बात और है, तिवारी जी का लाया हुआ एक भी स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, हेल्थ कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई बता दे, आम आदमी बता दे या तिवारी जी खुद बता दे। कुछ कहीं 100 करोड़ की वो उन्होंने बात तो कही है कि काम करवाया। नहीं जी, नहीं कुछ भी नहीं कराया। वो स्मृति ईरानी जी उद्घाटन कर गई थी आईपी यूनिवर्सिटी का, वो भी केजरीवाल ने कम्प्लीट करवाई है आईपी यूनिवर्सिटी बाद में। तो वो अपना खुद बता दें कि उन्होंने क्या काम कराया है। नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 साल से हैं वो, सेंटर में भी वही हैं और वैसे अदरवाइज भी वही हैं।
तो वो बताएं उन्होंने क्या हमारे लिए क्या काम कर दिया, हिंदू मुस्लिम बस वही चलता है तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, हम सबके लिए खतरनाक बातें हैं, वो तो सभी के लिए खतरा है, हिंदू मुस्लिम से तो ना हम सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। ठीक है, तो क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे, मैं तो ये पूछा। हम तो जी इस बार दिल्ली में पहली बार पीएचडी स्कॉलर कोई आया है जो सांसद हमें मिलने वाला है अगर वो जीतते हैं तो। अच्छा, पहली बार कोई पढ़ा लिखा बंदा हमारी तरफ से खड़ा हुआ है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, नहीं तो सब ऐसे ही आते हैं, कोई गुंडे मवाली या कोई अपना एक्टर गुंडा उंडा तो नहीं ना कहिए। एक बात मतलब बाहुबली, मतलब इन दैट सेंस बाहुबली, मतलब पहली बार कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि जो मतलब पीएचडी स्कॉलर है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा है इस वजह से आपका रुझान कन्हैया कुमार है जो है सर, इंटरनेशनल ग्रोथ वाला बंदा है, वो मुद्दों पे बात कर रहा है, वो राम मंदिर या किसी ऐसी चीजों पे ऐसा नहीं है, मैं किसी पार्टी पर दोष दे रहा हूँ। नहीं, राम मंदिर मतलब जिसके लिए मुद्दा है उसके लिए मुद्दा है भाई, आज तक का मुद्दा है, लोगों को डराया जा रहा है, नॉर्मल लोगों को डराया जा रहा है, कोर्ट और संविधान की वजह से ही बनाना मंदिर भी, तो कोई किसी पार्टी ने थोड़ी बनवा दिया मंदिर, वो भी तो बना तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट में जजमेंट आया उसके बाद जब हम जीते हैं उसके बाद बनाया वो, तो वो तो अच्छी बात है, वो तो बन गया बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगा उसका तो, लेकिन हेल्थ एजुकेशन और बच्चों का तो भला चाहिए ना, और ये वो जो ये करते हैं डिवाइड एंड रूल, वो नहीं अच्छा लगता भाई, जैसे मुसलमान है वैसे ही हमें और जैसे हमें वैसे ही वो है, तो सबके लिए बराबर नीति होनी चाहिए सबके लिए। अब जनसंख्या की वो नहीं कोई बात करते हैं, 2011 में लास्ट टाइम हुई है, अब हमारे लिए कैसे ये कोई नई पॉलिसीज लेके आएंगे जब इन्होंने हमें गिना ही नहीं है कि हम लोग कौन कितने हैं। अच्छा, तो भाई जवान कितने, जाति जनगणना वाले जो कितने, नहीं जाति जनगणना नहीं, जवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुढ़े कितने हैं, सेंसस नहीं हुआ, हेल्थ चाहिए किसको, एजुकेशन चाहिए किसको, जॉब चाहिए, वो तो जनसंख्या जब ये काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना इन्हें कि क्या पॉलिसीज ये लेके आएंगे कैसे लाएंगे। वो सेंसस नहीं हो पाया, आप उसको सेंसस नहीं हो पाया, मैं जातिगत के लिए नहीं कह रहा, वो तो होना भी नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है भाई, तो समय पर कोविड भी आ गया था, उस वजह से शायद रुका होगा। डिवाइड ना तो जाति के नाम पे होना चाहिए ना धर्म के नाम पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए, काम के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, जवान के लिए रोजगार क्या कर रहे हैं, बुढ़ों के लिए हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दी थी ना, वो भी थोड़ा सा इस सांसद से ना खफा है, वो भी बेचारे, वो भी सांसद से खफा है, ऐसा नहीं है मोदी जी से खफा है, वो इस सांसद से खफा है, कैंडिडेट से खफा है, इन्होंने आज तक विजिट नहीं करा, अब जाके ना, चलो हो सकता हम कोई बात ऐसी बोल रहे हैं जो झूठ सच हो, आप हर किसान से पूछोगे ना, इस क्षेत्र के अंदर इसी बंदे इस सांसद ने विजिट ही नहीं करा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत देते खड़े हैं जी, आपसे बात हुई मेरी, नहीं हुई अभी, नहीं हुई, अरे आपका क्या नाम है, आप भी आ जाओ जी। अरे शर्माने की क्या बात है, मैं कोई वैसी बात थोड़ी करूंगा आपसे, मैंने आपको एनडीटीवी पे भोगल में आपने प्रोग्राम किया था। अच्छा, हाँ, आप देखा आपने, मैंने देखा, अरे बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम जयभगवान सैनी है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, ठीक है, तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे। सोचना यह है कि हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अच्छा, तो पढ़े लिखे तो और समझदार तो आजकल, मतलब तो खैर आजकल छोड़ो, तो यहाँ तो दोनों ही पढ़े लिखे समझदार तो हैं ही। नहीं, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा, समझदार भी है। अच्छा, मुद्दों की बातें कर रहा है वो। अच्छा, और एक ने शकल ही नहीं दिखाई है। अच्छा, पिछले 10 साल से। अच्छा, हम उसे जानते ही नहीं कैसा है। अच्छा, ये है, तो मतलब वोट डालने क्या सोच कर जाएंगे कि भाई वो आया नहीं और अब पढ़ा लिखा भी आ गया दूसरा, ये आपका मुद्दा है? पढ़ा लिखा भी है मुद्दा, और यह है कि जो मुद्दों की बात करें और काम की बात करें, मतलब कैंडिडेट, जनता को कैंडिडेट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि टॉप लीडरशिप कैसी है। अच्छा, नहीं हालांकि पार्टी से ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में काम पार्टी करवाती है, सरकार वकार में आएंगे तो पार्टी भी ज़रूरी होती है, मैं ये कह रहा हूँ। पार्टी भी ज़रूरी होती है, उतना ज़रूरी कैंडिडेट भी है। अच्छा, कैंडिडेट हमारी आवाज़, ये नहीं कि जाके चुप बैठ जाएगा और संसद में हमारी आवाज़ ही नहीं उठाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, और आप देखते रहिए। हाँ, बिल्कुल, आप देख रहे हैं तभी हम दिख रहे हैं। अब ये प्रोग्राम कब आएगा? ये आ जाएगा जी, जब आ जाएगा आपको पता लग जाएगा। आपका क्या नाम हुआ जी? दीपक बच्चन। दीपक जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, अशोकनगर में। अशोकनगर में, बस मैं ये पूछ रहा था, क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं आप जी, तो क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे, 25 तारीख को वोट डलेगा यहाँ? वो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट है, जैसा कैंडिडेट काम करता है, कैंडिडेट का शिक्षा देखी जाएगी। अच्छा, कैंडिडेट के काम देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वोट डालनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, जो मेरा परसेप्शन है। अच्छा, नहीं मैं तो वही थोड़ा कुछ एनालाइज किया हुआ आपने। हाँ, वो एक्चुअली मैं अकॉर्डिंग टू काम की भाई, इस एरिए का लोकसभा जो मेम्बर है या उम्मीदवार है,
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या काम किया, उनके पिछले क्या काम रहे, अच्छा उसके अकॉर्डिंग ही वोट डालने का मैंने तो अपना परसेप्शन बनाया। अच्छा, जो पिछले वाले के काम को आप आकलन करके फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियस बात है। ठीक है, मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे? मुद्दा वही बेरोजगारी, महंगाई और भी ऐसे मुद्दे, क्योंकि जो देश को आगे बढ़ाए बस यही सब चीजें होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सॉरी आपको बहुत वेट करना पड़ा, क्या नाम है आपका? नहीं भैया जी, मैं तो पूछ रही हूं। ओहो, आप इतनी देर से खड़े थे, आपका क्या नाम है मैडम? कोमल। अब तो कोरोना चला गया या पोल्यूशन की वजह से? हाँ, इसके लिए। हाँ जी, ठीक है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी कहीं पढ़ाई कर रही हैं? नहीं नहीं, छोड़ दिया 10th क्लास से। अरे पढ़ाई क्यों छोड़ दी? घर में थोड़ा ऐसा ही कुछ इशू था। कोशिश कीजिए, मतलब और कुछ नहीं तो थोड़ा मेहनत तो करिए ताकि पढ़ाई हो जाए। तो अभी वोट डालने की स्थिति में आप आगे आ गई हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? बीजेपी को डालने। क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा आपने क्यों नहीं बताया, आपने ये इनको पास ऑन क्यों कर दिया? हम बीजेपी को ही डालेंगे। क्या सोचकर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा काम है उनका। अरे काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही कह देंगे वैसे आप? हाँ जी। थोड़ा सा तो सोचिए, मतलब बीजेपी को दे दीजिए आप, मेरा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचिए तो सही कि क्यों डाल रहे हैं जिसको वोट डाल रहे हैं, जिसके सामने का बटन दबाया है वो क्यों दबाया है, थोड़ा सा सोचिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, एक मिनट राजा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे सर थैंक यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग। क्या नाम हो आपका? सरफराज। कहाँ रहते हैं? नंदनगरी में रहता हूँ। नंदनगरी जी, आगे जाकर। जी जी जी, बस मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे, क्या करते हैं आप? जी हम तो रोजगार जींस के सप्लाई करते हैं, जींस की पैंट भी सप्लाई करते हैं। जींस की पैंट सप्लाई का काम है? अच्छा ठीक है, तो क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे जी? जी आपके तो वोट जो डलेगा जी, रोजगार पर डलेगा जी। रोजगार पर जी, आपकी क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, कारोबार ख़त्म हो चुका है। अच्छा, बहुत ज़्यादा व्यापार डाउन हो चुका है और तुम्हारा जो बेरोजगारी चरम पे है। लेकिन मानना भाई साहब, नहीं नहीं आप कह रहे हैं तो मैं मान ही लूँगा। गांधीनगर तो के कारण ही, गांधीनगर में टैंक रोड पर यह कंडीशन है, लोग वहाँ दुकानें खाली कर भग गए। तो ये तो बिजनेस नहीं होना हुआ है, बिजनेस में ना होना, और जो लड़के काम करते थे 5-5 लड़के सबको हटा दिया। अच्छा, दो लड़के आपका अपना काम है ये, तो और आपका काम नहीं चला इसलिए आपने वो हटा दिया, लड़के हटा दिए, दो लड़के 5-5 लड़के रख रखे थे। व्यापार और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे होते हैं। मोदी जी से एक दरखास्त है, रोजगार पर ध्यान दें बस। अच्छा, मोदी जी से ये हाथ जोड़ कर, ठीक है, तो यही सोचकर आप वोट डालने जाएं। बस बस बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, आप बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, आपने वो भी लगा रखा है जी। आपको देख के रुका हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो खैर वो ब्लूटूथ है। अच्छा ब्लूटूथ, ठीक ठीक ठीक। मैं तो आपसे ये कह, देखिए वोट जो है, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल गौतम है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ सामने, रामनगर में। अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो एडवोकेट हूँ, पार्षद भी रहा हूँ मैं इस क्षेत्र से, कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से हैं आप? तो मैं तो देखिए यही कहना चाहता हूँ कि मुद्दा है इस समय बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ा मुद्दा ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं। ये विपिन शर्मा जी विधायक थे और जयप्रकाश अग्रवाल जी सांसद थे। हाँ, ये तब बना, यानी कि आप बात कर रहे हैं लगभग 2013-14 तक वो विधायक और सांसद रहे ये दोनों ही। हाँ, ये पुल तब बना था, इसका उद्घाटन हुआ विविध रूप से। ये जो फ्लाईओवर है पिछले लगभग 4 साल से बंद किया हुआ है, उनका कहना है कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। चल तो रहा है? नहीं, ये चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर बस नहीं जा सकती। अच्छा, टेम्पो अच्छा, नहीं जा सकते। अच्छा, वो बैरियर ऊपर लगा रखा है, इतनी ऊपर से हाइट नहीं जाएगा। राइट राइट, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सांसद महोदय और विधायक जी से भी, भाई 10 साल विधायक सांसद जी को हो गए, लगभग 4 साल से ज़्यादा जो है विधायक जी को, कि अगर ये पुल यहाँ के लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, 2 किलोमीटर दूर वहाँ से गगन से बस पकड़नी पड़ रही है। अच्छा, इधर दुर्गापुरी चौक से आगे बस मिलती है। हाँ, यहाँ स्कूल बस नहीं आ सकती क्योंकि ऊपर बैरिकेटिंग ऊपर वो लगा दिया है। तो मैं सांसद जी के 10 काम भी मैं नहीं गिनवा पाऊँगा, या कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं गिनवा पाएगा जो सांसद जी ने किए हों। तो मैं तो लोगों को जो सुनता हूँ, मैं भी यहाँ सामाजिक कार्य में हूँ, लोग भी खड़े हैं, आप पूछेंगे तो लोग आज बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, और लोग आज की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जाम, कोई ध्यान नहीं देता है, यहाँ जाम लगा होता है नत्थू कॉलोनी चौक पे, आप मैं शाम को कोर्ट से आता हूँ तब भी जाम होता है। तो यहाँ लोकल पे ना तो विधायक ना सांसद जी का कोई एक सिंगल काम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप डिबेट करा लें तो वो शायद 2 काम भी यहाँ गिनवा नहीं पाएंगे जो उन्होंने इस क्षेत्र में किए हों। ठीक है, चलिए, वो मतलब आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो, लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया, ठीक है। यहाँ सांसद तो मनोज तिवारी हैं, विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के होंगे? ना ना ना, वो कांग्रेस उसके बीजेपी के हैं, महाजन जी। अच्छा, रोहतास नगर, रोहतास नगर है। तो मैं तो दोनों की नाकामी बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी
मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा, ये तो मैंने अपने स्थानीय एक प्रॉब्लम थी वो बताई है, लेकिन फिर भी मुद्दा जो इस समय देश के सामने वो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। सिलेंडर आप देख रहे हैं 900 रुपये का है, अभी मैं भाई हम जा ही रहे थे, अभी 500 रुपये की हमारी टंकी भरी है, पेट्रोल जो शायद 300 रुपये का आ जाता था आज 500 का है। तो लोग मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे, खाली हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है, इस देश पे डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने लोग खड़े हैं, क्या आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या आज महंगाई बेरोजगार हमारे पास मुद्दा नहीं है? आज ये बहन खड़ी है जो सामान कल 5000 रुपये का आता था, ये आज वो 15000 रुपये का सामान एक गृहिणी का आ रहा है, घर का जो हमारा रसोई का इस्तेमाल है वो बढ़ गया है। तो इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करती। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ आए, लेकिन आज डिबेट होती है हिंदू मुस्लिम पे, डिबेट होती है किसी और मुद्दे पे, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे कोई मुद्दे आपका मुझे बात करना। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जो बोला है मैं संपूर्ण सहमत हूँ। आपका नाम बता दिया पहले। मेरा नाम आनंदपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं इधर मीतनगर में रहता हूँ। मीतनगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। हाँ जी। मैं क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लैब। अच्छा, हाँ बताइए। मैं बता दूँ आपको, मैं कट्टर बीजेपी भक्त हूँ। अच्छा। और मैं मतलब 18 मेरी उम्र 40 साल हो गई और अब तक मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मेरे बुजुर्ग ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे, क्या हम बधवा मजदूर है क्या? रोजगारी, महंगाई है जो मेन मुद्दे पब्लिक है। भाई साहब ने जो बताया मैं उनसे 100% सहमत हूँ, महंगाई बेरोजगारी रोजगारी मुद्दे कोई नहीं करते। क्या बात होगी भाई साहब? नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मेन मुद्दा है ना पब्लिक के, हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, ये सब ये मेन मुद्दे, इस पर कोई बात नहीं करता सिवाय हिंदू मुस्लिम को। भाई धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया बन गया, ठीक है, सारे काम हो गए, लेकिन जो मेन पब्लिक के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, वो कहाँ से, वो कौन करेगा? ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं आपने हमेशा ही बीजेपी को दिया, आगे भी देंगे? नहीं, आगे नहीं देंगे, कट्टर बीजेपी के भक्त हम, लेकिन देंगे नहीं हम बीजेपी। इस मुद्दे को लेकर आप निराशा है? बिल्कुल निराशा है। और एक बात और सर, मैं डॉक्टर सत्यपाल जो बागपत के सांसद जी थे उनके गाँव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। 10 साल उन्होंने वहाँ पे इतना अच्छा काम किया, उनका टिकट काट दिया। और जनरल वीके सिंह, आपके मन में ये भी टीस है कि सर क्यों नहीं कि हमारे आदमी का टिकट काट दिया? 40 साल से जो वहाँ सत्ता में थे ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको टिकट दे दिया जैन चौधरी को, ठीक है सर। तो हम तो बहुत नाराज हैं लोगों से, हम कभी वोट देंगे अभी भी ना देने देंगे किसी को अपने। ना ना, मैं मुद्दे इम्पोर्टेंट, मैं तो मुद्दे की बात, मुद्दे, हाँ मुद्दे की इम्पोर्टेंट कि भाई बेरोजगारी और ये सब, ये इस पर आप इन पर कोई बात नहीं करता है। हाँ जी, आप आए थे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? क्या नाम है आपका भैया? हम तो अपना नाम बता दो, नाम बता दो पहले। नीतीश कुमार यादव। इधर को आ जाओ। नीतीश कुमार यादव। यादव जी क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं जनरल अस्पताल में हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा। भाई क्या सोच कर वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल वोट डालने का तो मन ही नहीं है इस टाइम, वोट किसी को भी डालो मोदी को जाती है। अरे नहीं, वो सच्चाई बता रहा हूं। लगता है कि ईवीएम में कुछ दिक्कत है, आप ही कह रहे हो? अच्छा, जो हकीकत है, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ है, मैंने ये कहना। हाँ, आपका साबित नहीं हुआ वो सही है, लेकिन जो कहने का मतलब है हमारा। और कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो है कुछ भी ऐसी टिप्पणी नहीं की? नहीं, ब्लेम तो बाहर कर दिया इस टाइम। नहीं नहीं, ईवीएम के ऊपर कोर्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा हो रखा है इस टाइम। अच्छा, आपको लगता है जो ऐसा लगता है? अच्छा, जो हमारे यहाँ से जो आप यहाँ खड़े हुए इस टाइम, हाँ, हमेशा कांग्रेस ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस ही बोल दूँ, हम वोट केवल कांग्रेस को डाला करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, काम भी उसने ही करा कांग्रेस है। अच्छा, मेरा जो मानना है बीजेपी ने हमारे यहाँ क्या काम करा? अच्छा, जो ये बना हुआ है फ्लाई ओवर भी, अंडरग्राउंड जो बना था, अंडरपास जो है वो कांग्रेस ने बनाया था। अच्छा, अंडरपास भी उसने पास करा था। अच्छा, जो हमारा रामनगर में नाला है, हाँ, उसी का छपा हुआ था, वो छपा हुआ है पूरी साइड में, जो बात है वो छपा हुआ, हाँ, मोदी के जब मैं मानता उस बात को कि वो छप जाता, हाँ, उस पर लोहे की पट्टी डाल दी, क्यों डाल दी भाई आज की डेट में? ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, बड़ी बन जाती है, बड़ी बनेंगी आज की डेट में, जो बात है। क्यों प्रचार किसी का नहीं हो रहा है इस टाइम, ओनली मोदी का हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है दूसरी पार्टी का प्रचार? नहीं, दूसरी पार्टी भी कर रही है, नहीं हो रहा है, जो बात है, सब पे पुलिस वाले रोक लगा रहे हैं आज के टाइम में, जो बात है, ओनली मोदी का प्रचार हो रहा है, इससे भी चल रहा है, वैसे भी है, दूसरी पार्टी हमने नहीं देखी है आज तक जो आई हो, चार दिन हो गए हैं, जो बात है, चार दिन मोदी की आ रही है, रिक्शे में भी आ रही है, पार्टी भी निकल रही है, वैसे भी है ना, कांग्रेस की आ रही है ना, वैसे आ रही है ना, केजरीवाल प्रचार नहीं कर रहे, तो फिर तो पार्टी नहीं कर रही प्रचार, तो पार्टी नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? हाँ। भाई जो हमारा मानना है, दूसरी पार्टी तभी हुई है सारी मोदी के सामने।
जो बात है, ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि मोदी बुरा है। मोदी काम कर रहा है, लेकिन उसने बुरा इतना करा है, सारी तो नौकरी छुटवा दी सरकारी। अच्छा हाँ, आदमी काम कर रहा है वो बढ़िया करे, ठीक है, मैं मानने को राजी हूँ, लेकिन जो काम हमारे यहाँ करा है मोहल्ले में, हाँ। वो कांग्रेस ने करा है। अच्छा। यहाँ कांग्रेस ही मिलेंगे आपको पूरे टोटल। लेकिन यहाँ रामनगर वार्ड तो बीजेपी का है वैसे तो? नहीं है भाई साहब, इतना नहीं है, बोलने के लिए ओनली। अच्छा, बोलने के लिए। ये विधायक भी यहाँ से कांग्रेस बीजेपी खड़े हुए हैं, मेरी गली का है। अच्छा। उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी वोट उसे कैसे देता है कांग्रेस को। जो बात है, बोलने के लिए ओनली। ठीक है, चलिए, तो ये सब ध्यान में, क्या वोट डालने जाएंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा ठीक है, आप दीजिए, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप तो वोट तो आप जिसको नहीं, जो बात है, हाँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं हो, हाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा। अच्छा। ना वैसा काम कर रहा। अच्छा। वो एक बात हो, आप पैसे वाले हो या मैं पैसे वाला हूँ, उनके लिए तो मोदी हो गया, जो गरीब आदमी है वो कहाँ मरेगा, ये बताओ। राशन मिल रहा है 10 आदमियों को या वैसे है, किसे मिल रहा है? ये 4 आदमी खड़े हैं, एक बार पूछ रहे किसको राशन मिल रहा है? राशन फ्री राशन तो आ रहा है जी, राशन तो आ रहा होगा भाई, राशन तो ऐसे 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 नहीं आ रहा। अरे तो आप राशन वाले उसमें आ ही नहीं रहोगे कैटेगरी में, अच्छी बात है। ना ना ना, रोजगार की बात तो, राशन हम खरीद लेंगे, हमारे पास रोजगार है, रोजगार मिलेगा तो हम खरीद लेंगे, हमारे पास रोजगार होगा तो रोजगार 10 किलो के 50 किलो खरीद लेंगे डेली, लेकिन थोड़ा सा रोजगार मिल जाए हमें। अच्छा, राशन से मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं, रोजगार से मतलब है हमें, सिर्फ रोजगार तो राशन खुद खरीद लेंगे। सबको रोजगार मिलता था कांग्रेस की सरकार में, तो सबको ही रोजगार मिलता था, है ना? ये फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, फर्जी मत बोलिए, आप अपनी बात कह लीजिए, फर्जी मत बोलिए, जिसका मुद्दा है जो है वो। भाई साहब, कन्हैया कुमार की यहाँ से जमानत जब्त होगी, कन्हैया कुमार की यहाँ से जमानत जब्त होएगी। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जमानत जब्त हो, कोई हारे जीते नहीं, हम तो पब्लिक से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे हम भी अपने मुद्दे बता रहे हैं ना, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब खा कमा रहे हैं। सुनो ठीक है भाई साहब, ऐसा यहाँ से मोदी नहीं जीतेगा, हमेशा कांग्रेस आती है और कांग्रेस ही आएगी, जो रियल है। महंगाई मुद्दा कहाँ है? जब जमीन का घट रहा है, जनरेशन बढ़ रही है, तो महंगाई तो होगी, महंगाई को कौन रोक सकता है? पांच साल पहले कोई जमीन का घटना, जब पैदावार ही नहीं होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। आज 10 खाने वाले कल को 100 हो गए, तो उसी जमीन में 100 को खाने वाले को कितना मिलेगा? तो महंगाई तो होगी जी, महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा, कम नहीं होगी नहीं, अच्छा कोई भी पार्टी आ जाए, महंगाई पार्टी कहाँ से कम करेगी? जब तुम्हारी जमीन ही सारी खत्म हो गई, पैदावारी खत्म हो गई, खाएंगे कहाँ से? ठीक है, आप बस बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल पहले एक मकान का कीमत 10 लाख था, आज उस मकान का कीमत 20 लाख हो गया, ये लोग नहीं कह रहा कि महंगाई हो गई। ये तो हमेशा ही होता है, ये तो हमेशा ही होता है। तो महंगाई तो सिलेंडर पहले जब अभी 800 रुपये या 900 रुपये हो गया, पहले भी तो थी, कितना परसेंटेज में देखे ना, कितना बढ़ गया। ठीक है, परसेंटेज वाइज तो पड़ी नहीं ना, महंगाई तो पहली बार आया। ठीक है, खत्म कर दें, सुन जाओ भाई साहब, कभी नहीं आएगी यहाँ से मोदी सरकार, जो बात है, नॉर्मल आदमी बोल रहा हूँ, यहाँ केवल कांग्रेस है, कांग्रेस ही रहेगी मंडली रोड पे। भाई साहब जमानत जब्त करवाएंगे, जमानत जब्त कांग्रेस की यहाँ से, कन्हैया कुमार की। भाई साहब काम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, काम में तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है। कैसा मजा चाहिए काम में भाई साहब? इन्हें तो बोलने दो, इधर को आ जाओ, जाम लगाओ, जाम लगाओ भाई साहब, इधर आओ। देखो मेरे भाई, नाम बताओ। हम बेचते हैं फल, बेचते हैं फल, बेचते हो क्या? हाँ। कौन सा फल बेच रहे हो आजकल? खरबूजा बेच रहे हैं अभी तो। खरबूजा क्या रेट आ रहा है? आ रहा है 40 रुपए और ग्राहक मांग रहा है 30 रुपए भैया। अच्छा, होता है यहाँ। अब बोलो अपनी अभी बात बोलो, ये बताओ, इसमें बिल्कुल मजा ही ना आया बिल्कुल दुकानदारी में, ना कमाई है ना कुछ रखा है। अच्छा, दुकानदारी ठीक नहीं, मंडी में रोज किराया लगा रहा, चले आते हैं, माल मिलता नहीं है। अच्छा, काम धाम ठीक नहीं चल रहा है। आप लोग बेकार चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये बातचीत थोड़ी आज लंबी चल गई, अच्छी बात है, लोगों ने अपने दिल की बात जो है, अपने मुद्दे हमारे सामने रखे, दिल की बात बताई। उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कारण पात्रा के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।